हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे काजू कतली, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और सभी को बहुत पसंद होती है। एकदम इजी है इसको बनाना, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप काजू ले लिए और उसी का आधा हमने चीनी लिए। जिस कप से हम काजू को नापेंगे उसी कप से चीनी लेनी है हमें आधी। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए आप कोई भी कप या कटोरी एक ले लीजिए, उसी से ही आपको नापना है। तो यहाँ पर हम काजू का पाउडर बना लेंगे। तो हमने इसको मिक्सर जार में डाल लिया है और इसी के साथ देखिए, हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और पैन में चीनी डाल देंगे। और जिस कप से हमने चीनी को लिया है उस कप का आधा हम पानी डालेंगे इसमें। तो जितनी हमें चीनी लेनी है उसका आधा पानी डालना है यहाँ पर। तो ये देखिए, हमने पानी डाल दिया है चीनी में। अब गैस ऑन कर देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। तो इसकी हमें चाशनी बनानी है और चाशनी हमें ज़्यादा ज़्यादा तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। यहाँ पर चीनी मेल्ट होने लगी है, इसको कंटिन्यू चलाते हुए हम पका लेंगे। तो देखिए, चेक कर लेंगे, 3 से 4 मिनट हो गए इसको पकते हुए। बस हमें इतनी ही चाशनी को तैयार करना है। देखिए, इसमें हल्का तार आने लगा है, तो इतना ही हमें इसको पकाना है। गैस को यहाँ पर हम लो कर देंगे एकदम। और अब इसमें काजू का पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं। हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमने काजू का जो पाउडर है एकदम फाइन पाउडर बनाया है। तो ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चाशनी में। तो ये देखिए, स्पैचुला से इस तरीके से चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को हमने यहाँ पर एकदम लो ही रखा है। तो ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हम अभी 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो यहाँ पर हमें गैस को एकदम लो ही रखना है और देखिए, इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए इसको पकने देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हरी इलायची का पाउडर डाल सकते हैं अगर आपको फ्लेवर पसंद है। हमने यूज़ नहीं किया है, तो ये अच्छे तरीके से एकदम थिक होने लगा है। तो इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये पैन को छोड़ ना दे, तब तक हम इसको इस तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। बहुत इजीली घर में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये 1 बड़ा चम्मच हमने देसी घी लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। तो घी डालने से इसमें एक अच्छा टेस्ट आएगा और ये जो पैन में चिपकेगा नहीं। तो ये देखिए, कितना गाढ़ा हो गया है इस काजू का पेस्ट। तो यहाँ पर 3 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए हमें। तो ये देखिए, इसने पैन को छोड़ दिया है, अच्छे से पक गया है ये। अब इसको हम हल्का ठंडा होने देंगे। तो हमने गैस को बंद कर दिया है और इसको इस तरीके से चलाते हुए हल्का ठंडा होने देंगे। और देखिए, अच्छे से इकट्ठा होने लगा ये। तो ये देखिए, एकदम डो के फॉर्म में आ जाएगा ये जब इसको हम हल्का ठंडा होने देंगे। इस तरीके से जब पैन को पेस्ट छोड़ने लगेगा, काजू कतली के बनने के लिए तैयार है। उसको हमने हल्का ठंडा कर लिया है। तो ये एक हमने पॉलिथीन ले ली है, उसको अच्छे से हमने धोकर साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए, इस पे हमने 1 चम्मच घी लगा लिया है। तो ये देखिए, अभी हल्का गर्म है ये। अब इसको हम दूसरी पॉलिथीन से कवर कर देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पर बटर पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। और अब इसको हम देखिए, इस तरीके से बेल लेंगे बेलन से। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको बेल कर तैयार कर लिया है। इतना मोटा हमने इसको रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। और अब इस पे हम ये सिल्वर वर्क लगा देंगे। ये हमने सिल्वर वर्क ले लिया है, इसको लगा देंगे।
तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से लगा दिया है। 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको अच्छे से कट कर लिया है और अब इसके पीसेस को निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेंगे। इसको हमने डायमंड शेप में कट किया है। सारी काजू कतली को निकाल कर एक प्लेट में रख लिया है और कितनी टेस्टी लग रही है ये देखने में। फ्रेंड खाने में भी बहुत अच्छी लगती है ये। तो इस तरीके से आप काजू कतली बनाइए और खाइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।